सपा सांसद शफीक उर रहमान वर्क ने फिर निकाली अखिलेश यादव पर भड़ास, कहा हमसे राय नहीं ली तो। यूपी की संभल सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीक उर रहमान वर्क अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। इस बीच उन्होंने एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। वर्क ने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून है, अदालतें हैं, लेकिन सारी शक्तियां मुख्यमंत्री ने अपने पास ले रखी हैं। वे ही गिरफ्तारी करेंगे, वो ही फैसला करेंगे, तो फिर कानून कहां से होगा। सपा सांसद से जब निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा करने पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने उम्मीदवारों को लेकर हमसे राय ही नहीं ली तो हमने भी नहीं ली और यहां से अपना निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा कर दिया है। वर्क ने सपा विधायक इकबाल महमूद पर तंज किया और कहा कि संभल निकाय चुनाव में उनकी ही जीत होगी। संभल नगर पालिका के चुनाव में सपा प्रत्याशी के खिलाफ वो अपने प्रत्याशी को चुनाव लड़ा रहे हैं। अखिलेश यादव पर भड़के सपा सांसद, निकाय चुनाव में डॉक्टर शफीक उर रहमान वर्क की बगावत के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अब तक उससे बात भी नहीं की है। वर्क ने इस मामले में अखिलेश यादव से नाराजगी जताई, लेकिन क्या वो सपा छोड़कर बसपा में शामिल होंगे, इस बात से भी साफ इनकार कर दिया। सपा सांसद के ताजा बयान के बाद एक बार फिर ये साफ हो गया है कि सपा में इन दिनों सब ठीक नहीं चल रहा है। निकाय चुनाव में सपा विधायक इकबाल महमूद की पत्नी रुखसाना इकबाल को सपा प्रत्याशी बनाने पर वर्क ने कहा कि सब विधायक को ही चाहिए, दूसरे लोगों की ख्वाहिश है, वे भी कुछ चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं सांसद ने कहा कि विधायक की पत्नी को टिकट देने के संबंध में अखिलेश यादव ने उनसे कुछ नहीं पूछा, राय मशविरा नहीं लिया, जमहूरियत में ऐसा नहीं होता है। अखिलेश यादव ने इस संबंध में उनसे अब तक कोई बात नहीं की।